अभी से करीब 100 साल पहले इंसानों द्वारा बनाई गई गाड़ियाँ कुछ इस तरह की दिखाई देती थीं, जो कि आज के समय में कुछ इस तरह की दिखने लगी हैं। ये तो सिर्फ इस बात का एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी इतने कम समय में कितनी तेजी से बदल रही है। जहाँ एक तरफ इंसानी सभ्यता काफी तेजी से एडवांस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पास्ट की चीजें विलुप्त होती जा रही हैं और अपना अस्तित्व खो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो कुछ भी आज के समय में हमारे पास मौजूद है वो फ्यूचर में हमारे पास नहीं रह पाएगा और अगले 100 सालों में हमारी धरती पर इतना बड़ा बदलाव आने वाला है इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट ने इस समय को देखते हुए फ्यूचर की कुछ संभावनाओं के बारे में प्रेडिक्ट किया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंसानों का भविष्य कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें आप अगले 100 सालों में होते हुए देखेंगे। अभी से लेकर 2050 तक हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चाइना है, लेकिन 2050 तक चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस समय तक भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस दौरान दुनिया में काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी होंगी, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची होंगी। एलन मस्क के पहले स्टारशिप रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। ये पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरी ग्रह पर इंसानों को भेजकर इंसानी बस्तियों को बसाने की शुरुआत होगी। वायरलेस चार्जिंग भी एडवांस हो चुकी होगी और अब मोबाइल को काफी दूर से भी चार्ज किया जा सकेगा और मोबाइल भी आज के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। धरती पर मौजूद बहुत से पक्षी 5G और 6G जैसी इंटरनेट सर्विसेज के कारण मर चुके होंगे और उस टाइम तक इंटरनेट सर्विस 10G के पार पहुंच चुकी होगी। उस समय बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। 2050 तक गाड़ियां बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी होंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। भविष्य में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर कपड़ों पर भी किया जाएगा, जिससे बिल्डिंग पर धूप पड़ने से वो अपने आप साफ हो जाया करेंगी और बिल्डिंग्स काफी चमकदार दिखेंगी। सन 2050 से 2070 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। इसके कारण एंटार्क्टिका पर मौजूद बर्फ काफी तेजी से पिघलने लगेगी। धरती पर पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ चुकी होगी कि लोगों की जरूरतों के लिए अमेज़न जंगलों को तेजी से काटा जा रहा होगा। यहाँ तक कि धरती की 80% से ज्यादा जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं होगा। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे शहर में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। लेकिन इस समय तक हम इंसानों को साइंटिस्ट मार्स पर भेजने में कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। वहाँ पर मशीनों की मदद से पानी और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में मार्स प्लैनेट को भी धरती की तरह बनाया जाएगा और वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर वातावरण का निर्माण किया जाएगा। वहीं धरती पर ट्रैवलिंग के लिए ऐसे सुपरसोनिक जेट्स का निर्माण किया जाएगा जिनकी मदद से हम 10 घंटे की दूरी को भी सिर्फ 1 घंटे में ही तय कर लेंगे। इस नई तकनीक से धरती पर हमारी जिंदगी और भी ज्यादा एडवांस और फास्ट हो जाएगी, जिससे हम अपने काम बहुत ही तेजी से करने लगेंगे। वैज्ञानिक इंसानी दिमाग में ऐसी चिप को इंसर्ट कर देंगे जो इंसानी दिमाग की कमियों को खत्म कर उन्हें जीनियस बनाने में भी मदद करेगा। इस तकनीक से उन्हें काफी फायदा मिलेगा जो इंसान दिमाग से कमजोर होते हैं, उन्हें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा और साथ ही कई तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी इस तकनीक से ठीक किया जाएगा। आने वाले समय में चिप्स में कुछ ऐसे अपडेशन होने लगेंगे जिससे उस समय में इंसानों को बातचीत करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे के विचार समझने लगेंगे। मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि इंसान के खराब हो चुके ऑर्गन्स को दोबारा से रीग्रो किया जा सकेगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएंगी जिससे इंसान मरे हुए इंसान को तो जीवित नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक इंसान की उम्र को बढ़ाने की टेक्नोलॉजी जरूर खोज चुके होंगे। 2070 के अंत तक इंसान दिमाग पर इतना ज्यादा काबू कर चुके होंगे कि भविष्य में दिमाग को किसी डिवाइस के अंदर स्टोर किया जा सकेगा और आने वाले समय में उस व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद उसके दिमाग को किसी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और एक तरह से वो व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाएगा और उसके दिमाग के जरिए काफी हद तक इंसान अमर हो जाएगा। उस समय पर इंसानों के सारे काम रोबोट करने लगेंगे और इंसानों की जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। इंसानों के एक इशारे पर ही सारे काम हो जाया करेंगे। 2070 से लेकर 2090 तक इस समय मार्स पर इंसानों की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही होगी। हर कोई मार्स पर जाने के लिए बेताब होगा और पिछले कई हजार सालों में जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं उन्हें दोबारा से जिंदा करने में सफलता मिल चुकी होगी और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपने शरीर के खोए हुए पार्ट जैसे हाथ और पैरों को दोबारा से ग्रो कर पाएंगे। उस समय तक आसमान में भी ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय तक उड़ने वाली कारें और अनेकों प्रकार के उपकरण
बना लिए जाएंगे। इस समय तक इंसान दूसरे प्रजातियों के जीव जंतुओं की भाषा को भी समझने लगेंगे और उनसे कम्युनिकेट करने लगेंगे। 2090 तक पोल्यूशन के कारण धरती की खराब हो चुकी ओजोन लेयर पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी होगी, जिससे धरती पर होने वाली काफी खतरनाक बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी शरीर में कुछ ऐसे चिप्स को लगा दिया जाएगा जो इंसान की लगभग हर तरह की समस्या को दूर कर देगी। जैसे कि अगर कोई इंसान पतला या मोटा होना चाहता है तो वो पेट में लगी अपनी चिप की मदद से अपनी खाने पीने की डाइट पर काबू कर पाएगा। इस समय तक इंसान टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर चुके होंगे कि आँखों और कानों की देखने और सुनने की पावर को काफी हद तक बढ़ा दिया जाएगा। ये समय ऐसा होगा जब लोग नेचुरल तरीकों की जगह आर्टिफिशियल तरीकों से ज्यादा जीवित रह पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल दिमाग का भी निर्माण किया जाएगा। इससे कम दिमाग वाले बच्चों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर इसकी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा जिससे ऐसी परेशानियों को भी आसानी से सॉल्व किया जाएगा जिन्हें एक नॉर्मल दिमाग और यहाँ तक कि कंप्यूटर से भी सॉल्व कर पाना असंभव है। उस समय हमारा दिमाग कंप्यूटर का रूप ले लेगा और इंसानों के जीवन जीने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। 21st सेंचुरी के अंत तक लकड़ी की ज्यादा मांग की वजह से और मौसम में आने वाले बदलाव के कारण अमेज़न जंगल का 90% हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। इसका नतीजा ये होगा कि धरती पर हर जगह सूखा पड़ने लगेगा और इस समय के छोटे मोटे जंगल रेगिस्तान में बदलने लगेंगे। इस समय तक समुद्र के नीचे टनल्स का निर्माण कर वहाँ पर बिजली की गति से चलने वाली ट्रेन को बनाया जाएगा। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेन की स्पीड हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज होगी। ये समय ऐसा होगा जब इंसान मैग्नेटिक पावर की मदद से ट्रैवल कर कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर लंबा सफर भी तय करने लगेगा। सन 2110 तक अंटार्कटिका की लगभग सारी बर्फ पिघल चुकी होगी। इस समय तक बर्फ का कहीं भी नामो निशान नहीं बचेगा और इस बर्फ के पिघलने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि इसके कारण समुद्र के पानी का स्तर करीब 10 फीट तक बढ़ चुका होगा, जिससे समुद्र के किनारे बसे काफी देश पानी में डूबने लगेंगे। लेकिन उस समय वेस्ट अंटार्कटिक के सूख जाने की वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ने लगेगा। इंसान यहाँ पर काफी एडवांस बुर्ज खलीफा से भी ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण करने लगेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि धरती के इस एरिया में भी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने लगेगी। इतने समय में कोई ना कोई धरती पर बड़ा संकट भी आ सकता है, जैसे कि उस समय 1 किलोमीटर से भी ज्यादा डायमीटर का कोई एस्टेरॉयड आकर धरती से टकरा जाए और धरती से 50% जीवन को बिल्कुल खत्म कर दे। लेकिन ऐसा ही हो ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उस समय तक इंसान कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी बना चुके होंगे जो धरती को किसी भी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से बचा सके। टेक्नोलॉजी की मदद से एस्टेरॉयड को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या उसका रास्ता बदल दिया जाएगा। उस समय तक इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से सभी जगह इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर चुके होंगे कि अब धरती पर इंसानों की मौजूदगी को मिटा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन फिर भी भविष्य में कौन सा संकट कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और इंसानों की वजह से इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी के कारण इंसानी सभ्यता पूरी तरह से खतरे में भी आ सकती है। भविष्य में कोई ना कोई सुपर ज्वालामुखी विस्फोट भी हमारा स्वागत कर रहा होगा, और ये विस्फोट किसी आम ज्वालामुखी की तरह नहीं होगा, बल्कि इसका प्रभाव धरती पर किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये धरती पर प्रति 100 किलोमीटर क्यूबिक जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, जिसके कारण हमारी धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर में मोटे बादल की एक परत बन जाएगी जो धरती को पूरी तरह से ढक लेगी और वो धरती के अंदर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देगी, और इसकी वजह से सन रेज धरती की सतह पर नहीं पहुंच पाएंगी, जिसके कारण धरती पर मौजूद इंसानों का दम घुटने लगेगा और धरती पर इंसानों का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और ऐसे में यहाँ पर महाप्रलय की शुरुआत हो जाएगी। अब ऐसे में इंसानों को इससे बचने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपनी बस्तियाँ बसानी ही होंगी। यही कारण है कि इंसान मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानी जीवन को पहुँचने में हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी पता है कि धरती पर कभी भी कुछ भी हो सकता है।